Welcome to Shortcut Children. Our today's chapter is chapter number 25 from our social science book of class 6 standard. The name of the chapter is What is Government? तो आपको याद दिला दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोज. अब ये गवर्नमेंट के बारे में चैप्टर है. गवर्नमेंट मतलब जिसको हम हिंदी में सरकार कहते हैं. अब आपने टीवी में बहुत सारी जो न्यूज़ चैनल जब देखते हैं आप, तो उसके अंदर बहुत बार आप देखते होंगे कि सरकार के ऊपर बहुत सारी खबरें रहती हैं, सरकार के ऊपर बहुत सारी न्यूज़. आपने कभी ये भी सुना होगा सरकार गिर गई है, सरकार बन गई है. अब ये क्या है कि सरकार गिर गई है, सरकार चलती कैसे है जो गिर गई है, क्या उसे चलना नहीं आता अच्छे से? तो इसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, सरकार ये कौन है, सरकार ये कौन व्यक्ति है या क्या है ये, वी डोंट नो अबाउट दैट थिंग. तो बच्चों को नहीं पता होता है कि सरकार कौन है, जो मास्क ना पहनने पे जुर्माना जो है उसका रूल ले आती है, हेलमेट ना पहनने पे वो हमसे ट्रैफिक सिग्नल पे जब हम पकड़े जाते हैं बिना हेलमेट के बिना लाइसेंस के तो हमसे सरकार जुर्माना लेती है. सरकार, ये सरकार कौन है? तो इस चैप्टर में हम सरकार के बारे में जानेंगे, व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट इज़ द नीड फॉर द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट है कौन और इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों भाई हम खुद डिसीजन नहीं ले सकते हैं. तो ये हमें बताएगा चैप्टर कि गवर्नमेंट क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है हमें. नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर. इन एंशियंट टाइम्स व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव्ड एज हंटर गैदरर्स, लाइफ वाज सिंपल. हाउएवर एज पीपल लर्न टू कल्टिवेट एंड सेटलमेंट एक्सपेंडेड, द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज्ड. Life became more complicated and the need for an organized system arose. A leader or an authority was required to make laws for the people to follow and help them achieve their common goals. अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय में जब हम early times की बात करें, जैसे मेरे पिछले वीडियो में हमने एक चैप्टर हमने पढ़ा था द वेदिक एज, तो हमने देखा था कि वेदिक एज में किस प्रकार से लोग रहते थे. तो अब जो पुराने लोग, जब प्राचीन यानी कि अर्ली मैन जो थे, वो क्या करते थे, देवर हंटर्स एंड गैदरर्स. वो जगह जगह भटकते रहते थे खाने और पानी की तलाश में, और एक जगह रहते नहीं थे, उनका ठिकाना एक नहीं था, उनका कोई घर नहीं था, वो गुफाओं में जंगलों में रहकर ही गुजारा करते थे. लेकिन जैसे हमने पढ़ा था वैदिक एज में कि लोगों ने एक जगह पर सेटल होना शुरू किया, कल्टीवेशन खेतीबाड़ी शुरू की, और एक जगह पर यानी कि जहाँ वो रहना शुरू किया वहाँ पर और लोग बसते गए और वो जो गाँव थे बड़े होते गए, यानी कि संख्या बढ़ती गई. अब जो जीवन था वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया जीवन. अब इसको चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की ज़रूरत थी, यानी कि एक लीडर चाहिए था. अब देखिए पहले क्या होता था, एक छोटी फैमिली होती थी, उसके अंदर एक मुखिया होता था. लेकिन जब उस फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज मिलकर एक गांव बना देती हैं, या फिर बहुत सारे लोग अगर उस गांव में आकर बसेंगे वो गांव बढ़ता जाएगा और डेवलपमेंट होता रहेगा तो शहर बन जाएगा. तो ऐसे में उस शहर को चलाने के लिए, उस किंगडम को चलाने के लिए, अब हर एक व्यक्ति अगर अपना डिसीजन लेगा तो सब लोगों का मत जो है, सब लोगों का जो विचार है, सब लोगों की जो सोच है वो एक नहीं रहेगी. इस कारण से कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा. जैसे कि आप अगर एग्जांपल के तौर पे अपने परिवार में देखें कि अब आपको पिकनिक पे जाना है कहीं पे पूरे फैमिली को, और उसके लिए आप लोग डिसाइड करने बैठे हैं कि आप लोगों को कहाँ जाना है. अब घर के अंदर कितने लोग हैं, हम लोग 6 लोग हैं, यानी कि और भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, 8-6 लोग हैं अगर सपोज. तो अब हम एक पिकनिक स्पॉट जब हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी हमारा जो वोटिंग जो है एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर नहीं हो पाती, हम लोग सहमत नहीं हो पाते एक चीज़ के ऊपर. कोई कहेगा हमें उस पिकनिक स्पॉट पे जाना है, कोई कहेगा हमें वहाँ जाना है, कोई कहेगा वो तो हमने देखा है. तो इस तरीके से यानी कि एक छोटा सा डिसीजन लेने में हमारे परिवार के अंदर, जिसके अंदर 6 से 8 लोग हैं सपोज़, तो वो डिसीज़न लेना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे में एक पूरे किंगडम के ऊपर अगर हम बात करें डिसीज़न लेने की, तो अगर कॉमन लोगों के ऊपर छोड़ा जाए और सब लोगों के ऊपर छोड़ा जाए तो फिर वो डिसीज़न मेरे ख्याल से कभी लिया ही नहीं जा सकेगा. इस कारण से लॉज बनाना बहुत ज़रूरी पड़ा, एक लीडर बनाया गया ताकि वो डिसीज़न ले सके ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के बिहाफ पे एक लीडर चुना जाता था, मुखिया जिसको हम कहते हैं, वो चुना जाता था ताकि वो ऐसे डिसीजंस ले, ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों को डेवलपमेंट मिले और जीवन जो है वो स्मूथली चलता रहे. अर्लियर वी ऑलवेज हैड किंग्स एज लीडर्स, टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स विच गवर्न अ कंट्री. जब हम प्राचीन समय की बात करें तो हमारे राजा होते थे लीडर के तौर पर, यानी कि जो भी डिसीजन राजा लेते थे वो हमें मान्य होता था, भले वो सही है या गलत है. लेकिन आज हम बात करें
आज दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की सरकारें चलाई जाती हैं। द गवर्नमेंट इज ईदर अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री और स्टेट। अब सरकार जो है वो एक आदमी भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह भी हो सकता है जो उस देश को कंट्रोल करता है, उसके सारे मामलों को मैनेज करता है। एवरी कंट्री नीड्स सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर सोसाइटी टू फंक्शन स्मूथली। हर एक जो कंट्री है उसको सरकार की ज़रूरत है ताकि उसकी जो सोसाइटी है, वो जो देश है, वो स्मूथली चल सके। अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द सिटीजन्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच दे कैन वर्क टू अचीव देयर कॉमन पर्पजेज। अब सरकार क्या करती है, वो सिटीजन्स यानी कि कॉमन लोग, हम लोग जो हैं, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो सरकार जो है वो सिटीजन्स को एक ऐसा लिमिटेशन, एक फ्रेमवर्क, एक ऐसा मतलब बना के देती है जिसके अनुसार वो लोग काम करते हैं। यानी कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का समूह रहता है, लॉज होते हैं, उन लॉज को हमें फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ना होता है। यानी कि हम अपनी मर्जी से हम चाहें कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, यानी कि आप जानते हैं कि वैसे तो हम देखने जाएं तो हम बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके फंक्शंस के द्वारा, उसके द्वारा बनाए गए जो लॉज हैं, जो कानून है, उसके द्वारा हम लोग बाध्य हो जाते हैं। वी हैव सर्टेन लॉज जिनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिस कारण से हम सिस्टमेटिकली काम करते हैं डर के मारे। जैसे कि अभी फाइन की बात करें, अभी गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि भाई मास्क के बिना कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उससे फाइन लिया जाएगा। अब हम इस डर से मास्क पहनते हैं। अगर आप सोचिए कि अब गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन ना ले तो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति मास्क ना पहनेगा, और इस तरीके से जो लोग मास्क पहन रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो लोग लॉज को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग इस बीमारी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, वो अपनी हर एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, पूरे वो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी वजह से ऐसे लोगों को समस्या आ सकती है। इस कारण से जो सरकार है उन्होंने ये लॉ बनाया है, तो ये बहुत ही अच्छा लॉ है वैसे। तो इस तरीके से सरकार जो है ऐसे फ्रेमवर्क, इस तरह के लॉज फ्रेम करती रहती है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो वाइटल टू रिप्रेजेंट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड टू टेक केयर ऑफ देयर प्रॉब्लम। अब इसके साथ साथ अगर सरकार की बात करें तो वो बहुत ही ज़रूरी है लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों की समस्याओं की देखभाल करने के लिए, कि जो जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। द एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट कैन लीड टू कैओस, कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर इन द कंट्री। अब आप सोचिए कि सरकार ना हो, सरकार नहीं होगी तो ये जो पूरा हमारा ऑफिशियल सिस्टम है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कौन चलाएगा? अब फिर तो भाई हम अपने मन के राजा बन के बैठ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी, डिसऑर्डर मच जाएगा। आपने देखा है कुछ देशों के अंदर जब सरकार के खिलाफ विद्रोह होता है, जहाँ पर जो है गृह युद्ध छिड़ जाता है कुछ देशों के अंदर, यानी कि सरकार को हटाने के लिए जो लोग उस सरकार से खुश नहीं हैं, आप उन देशों में जाकर देखिए, बड़ी ही खराब स्थिति है जहाँ पर सरकारें नहीं हैं। अब ऐसे ही एक देश के बारे में आपको अगर बताना चाहूँ, तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, हम हमारा जो नॉर्थ कोरिया है, उत्तर कोरिया की बात करें, जहाँ के रूलर जो हैं किम जोंग, अब उस देश के अंदर तानाशाही है। तानाशाही मतलब डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर सरकार वैसे कोई नहीं है, वहाँ पर एक ही व्यक्ति का रूल है, वो है किम जोंग। अब वहाँ के सिटीजन्स के पास कोई भी राइट नहीं है, जो भी चीज़ चाहता है, यानी कि जो भी किम जोंग बोलता है वही चीज़ सही मानी जाती है। किम जोंग ने अगर बोल दिया कि ये रूल कल से लागू होगा तो वो कल से लागू हो जाएगा, फिर उससे किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। मतलब हर एक डिसीजन जो है वो एक आदमी के हाथ में है। तो हमारे देश के अंदर या दुनिया के बाकी देशों के अंदर ऐसा नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, एक लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ पर हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अब डिसीजन हम खुद कैसे ले सकते हैं, हम डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर डिसीजन ज़रूर ले सकते हैं। सुबह आवाज़ कम हो रही है कि बंद करूँ मैं? Learn about the functions of the government. अब government के functions की बात करें तो the government plays an important role in our lives. Government, सरकार जो है वो हमारे जीवन के अंदर बहुत ही important role निभाती है. The basic function of the government is to provide safety and security to its citizen. सरकार का जो main function है वो है citizens को safe रखना और उनको secure रखना. उनकी safety और security की जिम्मेदारी सरकार की है. And to maintain law and order in the country, और country देश के अंदर law and order यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, यानी कि वहाँ पे chaos या फिर confusion या disorder जैसी condition ना हो, सब कुछ systematic चलता रहे। It takes important decisions on all issues
रिलेटेड टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। इसके अलावा सरकार जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रहते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए, वो भी सरकार ही लेती है। इट प्रोटेक्ट्स एंड डिफेंड्स द कंट्री फ्रॉम वॉर और एन अटैक बाय एन एनिमी। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर अटैक कर देता है तो उससे बचाने के लिए जो हमारी सरकार है वही काम करती है। जैसे कि आप जानते हो कि अभी लगभग 29 जुलाई समथिंग या 30 जुलाई को हमारे जो एयरफोर्स है उसके अंदर 5 राफेल जो विमान है जो हमने विदेश से खरीदे हैं, जो कि एक बहुत ही एडवांस्ड काइंड ऑफ जेट प्लेन्स हैं, वो हमने खरीदे हैं। वो किस लिए खरीदे हैं? हमने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हमने देखा कि चाइना जैसे देश के साथ हमारे अभी जो संबंध है काफ़ी बिगड़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये राफेल विमानों का ऑर्डर दिया और 5 के करीब लगभग विमान जो है हमारे अभी एयरफोर्स के अंदर शामिल हो जाएंगे एक दो दिन के अंदर। इट मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इन अ मैनर इंश्योर्स बेनिफिट टू ऑल द पीपल। और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको भी सरकार ध्यान में रखती है कि उसका उपयोग किया जाए तो सब लोगों के लिए इक्वली वो बेनिफिशियल हो। यानी कि ये ना हो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग उसका उपयोग करके अमीर बन जाएं और बाकी पूरे देश के लोग बस उनको देखते रहे। यानी कि देर इज इक्वलिटी ऑल ओवर द कंट्री। तो सब चीज़ें देखने का काम जो है वो गवर्नमेंट का है। इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय बिल्डिंग रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वेल्स एट्सेट्रा एंड बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा लोगों की भलाई का काम करना, यानी कि लोगों को आगे बढ़ाना, ताकि लोग जो है, देखिए लोग डेवलप होंगे तभी देश डेवलप होगा। तो इसके लिए रोड्स बनाए जाते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, वेल्स बनाए जाते हैं, यानी कि हर एक वो फैसिलिटी मुहैया करवाना लोगों को जो हमारे दिनचर्या के लिए, हमारे जो डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। इट प्रोवाइड्स रिलीफ मेजर्स टू पीपल व्हेन नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर्स अकर। जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, यानी कि आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, उस समय पे या फिर कोई डिजास्टर आ जाता है, उस समय पे सरकार जो है वो लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाती है। जैसे कि अभी आसाम और बिहार जैसे स्टेट्स के अंदर बहुत ही बुरा हाल है बाढ़ के कारण, तो वहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा, अभी जैसे मैंने कल ही टीवी में देखा कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके द्वारा लोगों तक खाना पानी पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा हमारी NDRF की जो टीम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो रहती है, वो भी लोगों को बाढ़ से बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसके अलावा जैसे भी पैंडेमिक सिचुएशन है हमारे यहाँ पर, यानी कि आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस के कारण काफ़ी समय तक लॉकडाउन रहा, उसके बाद लॉकडाउन को बंद करना पड़ा, खोलना पड़ा हमारे देश को, क्योंकि कब तक हम लोग बंद रखेंगे। उसके बाद भी सरकार जगह जगह मतलब अपनी जो आर्थिक मदद लोगों को दे रही है, लोगों तक तो खाना पहुँचा रहे हैं, यानी कि एनी हाउ दे आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों को सब चीज़ें मुहैया हो सकें। जैसे कि अभी बहुत आरोग्य सेतु नामक जो हमारी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, उसमें टोल फ्री नंबर्स वगैरह दिए गए, अगर हम टेस्टिंग करवाना चाहते हैं या हमारे आजू बाजू कोई व्यक्ति टेस्टिंग करवाना चाहता है तो हम उसके द्वारा सरकार को जान कर सकते हैं और सरकार हमारी मदद उसमें करेगी। तो ये सब जो जिम्मेदारियाँ हैं, ये जो सब फंक्शन है सरकार के हैं। इसके अलावा इट मेंटेन्स फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। इसके अलावा जो दूसरे देश हैं उनके साथ हमें अच्छे रिलेशनशिप रखना, दूसरे देशों के साथ एक पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग रहें, उनको उनका दोस्ती भरा हमारा जो व्यवहार रहे, ये भी देखना हमारी सरकारों का ही काम है। तो हमारी सरकार तो यही कोशिश कर रही है, लेकिन आजू बाजू के जो कंट्रीज हैं वो इसमें हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, स्पेशली द पाकिस्तान एंड द चाइना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ। द टॉपिक इज ऑर्गन्स और ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स और उसके ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू 3 मेन ऑर्गन्स टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब सरकार के जो 3 मेन ऑर्गन्स रहते हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये जो आप नीचे फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स दिए गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। सो दीज 3 आर द parts of the government, they we can call them the organs of the government. The legislature, it works of making laws for the country, यानी कि देश के लिए जो कानून बनाने का काम है वो काम कौन करता है? हमारा लेजिस्लेचर करता है। इट मेक्स लॉज टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड टू सेटिस्फाई द जनरल नीड्स ऑफ द पीपल। यानी कि देश के अंदर कानून व्यवस्था, यानी कि सब लोग जो है वो फ्रीली, अच्छे से, सुरक्षित तरीके से रहें, अपना मतलब वो सब ठीक से रहें, इसके लिए लॉज बनाने का काम जो रहता है वो हमारा लेजिस्लेचर का रहता है। दूसरा हमारा है एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच दैट मेक्स श्योर दैट द लॉज आर एनफोर्स्ड। इन लॉज को एनफोर्स करना, इनकी इनको अप्लाई करना कि ये सब जगहों पर इक्वल रूप से अप्लाई किए जा सकें, ये जिम्मेदारी हमारी एग्जीक्यूटिव की है। एंड आर थर्ड पार्ट इज जुडिशरी।
The judiciary is the branch that ensures the government functions according to the laws and protects people against unjust rule. जुडिशरी जो है उसका काम है कि ये सब रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, यानी कि लॉ जो बनाया गया है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसको देखने का काम जुडिशरी का होता है. इट फंक्शंस थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स. अब हमारा जुडिशरी है वो कोर्ट्स, यानी कि जुडिशरी मतलब हमारा न्यायतंत्र हम कह सकते हैं. तो न्यायतंत्र का काम क्या है, जो हमारे न्यायालय हैं, जो कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स के माध्यम से जो हमारा ये जो जुडिशरी है वो काम करता है. अब आगे हम चल रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. भारत के अंदर गवर्नमेंट के लेवल्स की बात करते हैं. Every country has a different form and structure of government depending on its size, structure and population. India is a vast country consisting of 28 states and 8 union territories. There are 3 levels of government in our country. हर एक देश का जो है अलग तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का, उसका साइज, स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों पे उस देश के वो डिपेंड करता है. भारत जो है एक बड़ा कंट्री है जिसके अंदर लगभग 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो यहाँ पर जो सरकार है वो 3 लेवल पर काम करती है. फर्स्ट वन इज द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट विच फंक्शंस एट द नेशनल लेवल. इट टेक्स डिसीजन फॉर द होल कंट्री. अब जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है. यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारी दिल्ली से जो पूरे देश को कंट्रोल करती है, ये हाईएस्ट लेवल है हमारी गवर्नमेंट का और ये नेशनल लेवल है, ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, पूरे देश का ध्यान रखती है. इसका काम है पूरे देश के लिए डिसीजंस को अप्लाई करना. जो भी एक निर्णय लेते हैं वो पूरे देश के लिए लागू पड़ता है, यानी कि ये सेंट्रल लेवल पे काम करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट एक ही है दोनों. इसके नीचे आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दूसरा लेवल है जो कि हर एक स्टेट में होती है. गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश का ध्यान रखती है और स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरे स्टेट का ध्यान रखती है. यानी कि हमारे देश में 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट रहती है और उनका जो काम होता है वो पर्टिकुलर स्टेट को देखना ही होता है. उनका देश को मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखती है, इस कारण से वो उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं. तीसरा हमारा जो पार्ट है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इज द थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट एंड फंक्शंस एट द लोकल लेवल. तीसरा जो हमारा लेवल है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो भी दो तरह की होती है. देर आर टू टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वन इज अर्बन एंड द रूरल. अब आप देखिए इसको बड़े आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए बेस, सबसे छोटा इकाई क्या रहती है हमारी, वो रहता है गाँव. गाँव के बाद आता है शहर. शहर, बहुत सारे शहर मिला दिए जाते थे, स्टेट बन जाती है और बहुत सारी स्टेट्स को मिला के देश बन जाता है. यानी कि हम तीन पार्ट में इसको बांटते हैं. पहला है हमारा देश, तो देश पे रूल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके बाद आती है हमारी स्टेट, तो स्टेट पे रूल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट. और स्टेट के अंदर क्या आते हैं, गाँव और शहर. अब जो गाँव रहते हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल करती है उसको बोलते हैं हम रूरल गवर्नमेंट या फिर विलेज पंचायत एट्सेट्रा. यानी कि वो विलेज लेवल पर काम करती है. उसके गांव के बाद आता है हमारा शहर. शहर मतलब बड़े शहर जिसमें टाउन से सिटीज हो गए. उसमें अर्बन गवर्नमेंट काम करती है, यानी कि वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करती है. अब इसको भी आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करती है, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी काम करती है. अब गाँव की बात करें तो गाँव में जो डिस्ट्रिक्ट पे रूल किया जाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट को देखती है उसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहा जाता है. जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाली तालुक को देखती है उसको तालुका पंचायत कहा जाता है, और जो उस तालुका के अंदर आने वाली विलेजेस को देखती है उसको विलेज पंचायत कहा जाता है. तो ये हमारा जो थ्री टीयर स्ट्रक्चर था हमारी गवर्नमेंट का, ये है. अब आप आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप. इन अ मोनार्की अ कंट्री इज रूल्ड बाय अ किंग और अ क्वीन. अब जो सरकारें हैं वो तीन तरह की होती हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. सरकारें तीन तरह की रहती है. पहला मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप. मोनार्की में जहाँ पर राजा या रानी रूल करती है, यानी कि राजाशाही परिवार, यानी कि एक परिवार जो है जिसका एक व्यक्ति राजा या फिर रानी है वो रूल करेंगे. यू हैव रेड अबाउट द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडिया. यानी कि पुराने समय में हमारे यहाँ पर भी जो मोनार्कियल गवर्नमेंट ही थी आप जानते हैं, क्योंकि राजा रूल करते थे तो राजाओं के अधीन था भारत, तो वो जो रूल था उसको हम मोनार्की कह सकते हैं. टाइप ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की स्टिल एग्जिस्ट इन सर्टेन कंट्रीज सच एज साउथ अरेबिया एंड ब्रुनेई.
ब्रुनेई और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज के अंदर आज भी मोनार्कीज अवेलेबल हैं, यानी कि वहाँ पर आज भी राजा यानी कि जो शेख वगैरह रहते हैं आप जानते हैं उस देश के प्रिंसेस वगैरह वही रूल करते हैं। मोनार्कीज आर ऑल्सो हेरिडिटरी विच मीन्स दैट आफ्टर अ किंग और क्वीन डाइज ही और शी सक्सीडेड बाई हिज और हर सन और डॉटर। मोनार्कीज जो रहती हैं ये हेरिडिटरी रहती है, यानी कि वंशवाद रहता है इसमें, यानी कि जो राजा रानी है उनके बाद उनके ही परिवार में से यानी कि उनका बेटा या बेटी ही राजा रानी बनेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है कि आज भी दुनिया के अंदर मोनार्की जो है वो अवेलेबल है। दूसरा हमारा जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अंडर दिस पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस। अब डेमोक्रेसी बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है गवर्नमेंट का, क्योंकि आज ज़्यादातर देशों के अंदर ये पसंद किया जाता है, ज़्यादातर देशों के अंदर ये प्रेविलेंट है। इसमें लोग जो है, पब्लिक जो है, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने जो नेता हैं उनको चुनते हैं थ्रू वोटिंग, इलेक्शन के द्वारा। द रियल पावर लाइज विद द पीपल हु इलेक्ट देयर ओन लीड। तो इसमें रियल पावर किसके हाथ में हुई एग्जैक्टली? इसमें रियल पावर हुई हमारे हाथ में, यानी कि पब्लिक के हाथ में। क्योंकि अगर कुछ समय के बाद हमें अच्छा नहीं लगा उनका रूल, उनका कार्य करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, तो अगले साल हम उनको वोट नहीं डालेंगे और वो हार जाएंगे, तो जिनकी उनकी सरकार चली जाए। इस कारण से ये जो डेमोक्रेसी सिस्टम है बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये एक आइडियल सिस्टम है हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी पावर जो है कॉमन पब्लिक के हाथ में रहती है। तो वी कैन चेंज द गवर्नमेंट एज पर आर विश। अब तीसरे तरह की जो सरकार है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? अ सिंगल पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रूल द कंट्री। जहाँ पर एक आदमी सिंगल पर्सन रूल करता है, या फिर स्मॉल ग्रुप होगी, या फिर वो छोटे से परिवार का वहाँ पे रूल होगा। देर आर नो इलेक्शंस एंड द पीपल डोंट हैव अ से इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब इन देशों के अंदर जहाँ पर डिक्टेटरशिप रूल है वहाँ पर इलेक्शन तो कभी होते ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन किस बात के होंगे जब वहाँ पर रूल ही एक आदमी का है। और सरकार के अंदर लोगों का कुछ भी नहीं रहता, यानी कि लोग सरकार के कामों में या कुछ भी नहीं कह सकते हैं। द डिक्टेटर्स वर्ड इज लॉ एंड ही और शी एक्सरसाइज टोटल कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर डिक्टेटर का जो वर्ड बताया गया है, कि यानी कि डिक्टेटर जो कहेगा वही लॉ है, वही कानून है, और वही चीज़ फॉलो की जाएगी सरकार के अंदर। यानी कि डिक्टेटर ने जो बोल दिया, यानी कि वहाँ के रूलर ने जो बोल दिया, वही चीज़ फॉलो की जाएगी। जैसे कि आपने अभी देखा हमने कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया के अंदर आज भी किम जोंग जो है वही वहाँ का करता धरता है, यानी कि वो जो बोलेंगे वही चीज़ फॉलो होगी, वही सब कुछ माना जाएगा। दूसरे ऐसे ही जो कुछ डिक्टेटर्स थे हमारे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ सकते हैं, मे भी थोड़ा आप जानकारी गूगल से भी ले सकते हैं, जिनमें हिटलर का नाम लिया जाता है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर्स हम कह सकते हैं। ही वॉज वन ऑफ द क्रूएलेस्ट डिक्टेटर इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड वॉर वन और टू दोनों के लिए हिटलर को ही जिम्मेदार माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मतलब मनसूबे थे इनके, और ये जो थे ये भी एक डिक्टेटर थे। इसके अलावा दूसरे डिक्टेटर्स की बात करें तो मुसोलिनी जो कि इटली के ऊपर रूल कर रहे थे वो भी एक डिक्टेटर थे। फिर स्टालिन की बात करें वो भी एक तरह के डिक्टेटर थे जो कि रशिया के ऊपर रूल कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमने तीनों टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जस्ट देखा हमने। अब हम अपने अगले वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जो बाकी इसके पार्ट्स हैं उसको खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।